नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आज हमारी टीम पहुंची है स्पीडवेज, हीरो स्पीडवेज की एजेंसी पे, जहां पर हीरो की नई बाइक लॉन्च हुई है, ग्लैमर एक्स टेक। ये नया मॉडल लॉन्च किया गया है जिसमें कि तकरीबन इसमें सारे फीचर जो हैं वो एक कार के फीचर आपको बाइक में मिल रहे हैं। इसमें मोबाइल चार्जर है, स्मार्ट डिस्प्ले है, मोबाइल नेविगेशन आदि कई ऐसे फीचर हैं जो कि एक मोटरसाइकिल में कार के फीचर दिए जा रहे हैं। और ये नई बाइक दो वेरिएंट कलर में लॉन्च की गई है, 125 सीसी इंजन के साथ और इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ये नई बाइक लॉन्च की गई है। इसमें दो वेरिएंट कलर हैं, एक ग्लोसी तो दूसरा मैट कलर है और एलईडी लाइट से भरपूर शानदार लुक के साथ और काफ़ी ही अट्रैक्टिव बाइक के दीवानों के लिए बहुत अच्छा ये तोहफा माना जाएगा कि इसमें इतने अधिक फीचर और सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं। इसमें सेफ्टी फीचर साथ जैसे कि स्टैंड लगा हुआ है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती और भी कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह दी हुई है कि एक कदम आपके नए आधुनिक टेक्नोलॉजी की ओर ये बाइक लेकर जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या क्या फीचर डाले गए हैं। ये 125 सीसी एक्स टेक्नोलॉजी बाइक है। एक्स मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर फुली डिजिटल मीटर इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर गियर शिफ्टिंग का पता लग जाता है कि कौन से गियर में गाड़ी चल रही है। RTMI मीटर है, किस गियर के अंदर कितनी स्पीड में गाड़ी हो, आप कितनी माइलेज ले रहे हो, ये फुली लोडेड है। इसके अलावा टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। इसमें एक हीरो की एक ऐप आती है, उसका एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लो, उसके लिए इसके साथ कनेक्टिविटी हो जाती है। वो टर्न बाय टर्न सपोज टू भी आपने जलंधर जाना है, आप डेस्टिनेशन फीड करो, वो टर्न बाय टर्न आपको इंडिकेट करेगी। सारे उसे कॉल रिमाइंडर है, अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो इसमें अगर आपका नंबर फीड है, सेव है, तो नंबर का डिस्प्ले आएगा नाम का, इस नाम से कॉलिंग आ रही है, नहीं तो अननोन नंबर आएगा। मैसेज अलर्ट है इसके अंदर और मोबाइल चार्जर इसमें फिटेड है, आप USB पोर्ट लगा के मोबाइल चार्ज कर सकते हो इसके अंदर। और बैंक एंगल सेंसर है, सपोज़ कि आपकी गाड़ी परमात्मा करे अगर स्किट हो जाती है तो अपने आप ही इसका इंजन कट ऑफ हो जाएगा। साइड सेफ्टी के हिसाब से इसमें एक साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन है। आपने मान लो साइड स्टैंड लगाओ, आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने गियर डालते गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये इसका जैसे कि बात करें कि हम इंडियन रोड के हिसाब से बात करें तो रोड बड़े रैशेज होते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं, क्या इसको भी देखकर इसमें कोई फीचर डाला गया है? जैसे कि भीड़ वाले एरिया में बार बार गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम होती है, स्पीड से लो स्पीड आना पड़ता है, ऐसे भी कुछ इसमें फीचर डाले हुए हैं? इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है। सपोज़ कर आप फोर्थ गियर में गाड़ी चला रहे हो और आपने सडन ब्रेक लगाया तो होता है कि हम लोग अमूमन करते हैं क्या कि इसका गियर शिफ्टिंग करते हैं, गियर शिफ्ट किया, थोड़ी रेस कम किया तो गाड़ी हमारी चलती है। पर इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है, इसमें आपने गियर शिफ्टिंग करना कुछ नहीं करना, आपने सडन ब्रेक मारी है, कोई आपने एक्सीलेटर देना, इसने अपने आप ही मूवमेंट बना लेना गाड़ी का, 20, 22, 25, 26 अपना ही 40 तक 50 तक अपना गाड़ी मेंटेन होती चली जाएगी। क्या बात है, इसमें गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक कार के फीचर से भी एक कदम आगे है। बिल्कुल, ये ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है जी। अब मोस्टली हीरो की सभी गाड़ियों में आ रही है, वो इसके अंदर फीड है। प्लस इसके अंदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली करते हुए इसको i3S टेक्नोलॉजी के साथ भी लोडेड किया गया है, जो पहले एक्सट्रीम के अंदर इसके अंदर ग्लैमर के अंदर नहीं आता था। उसमें आपका यह है कि आपका ये i3S का स्विच है, इसे आप ऑन करते हो, आपका जब तक तो फर्स्ट टाइम में अगर आपका गियर में गाड़ी चला रहे हो, आप आइडल मोड में खड़े हो, तो आपका जब तक तो इंजन हीटअप नहीं होगा गाड़ी अपना बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने ना सेल्फ लगाना, ना अपना क्लच, कुछ नहीं करना, क्लच दबाना, रेस नहीं, गाड़ी अपना स्टार्ट होगी। अच्छा, तो गाड़ी एक साइलेंट मोड में चले जाएगी और सिर्फ एक बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो मतलब कि फ्यूल की कंजप्शन भी एक तरह से वो खत्म, कंजप्शन बच गई, वियर एंड टियर बच गया, जो इंजन का जो हीट होता है इंजन वो बच गया, पोल्यूशन नहीं हो रहा, गैसेस नहीं आ रही। साथ ही अंदर इसका साइलेंसर मफलर है, इसके अंदर 3-way कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ साइलेंसर के अंदर, तो कोई भी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन टाइप की जो गैसें हैं उनको फिल्टर करके कम से कम उसमें करता, कन्वर्ट करता, तो ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली फीचर है इसका एक। और बात करें माइलेज की, तो आज बाइक लेते समय माइलेज भी बहुत ध्यान में रखी जाती है, तो माइलेज के हिसाब से इसकी क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस ये तो ये आपके अपने हाथ में, इसके अंदर ना एक RTMI मीटर दिया हुआ है, उसके अंदर सपोज टू भी आपने गाड़ी चला रहे हो 45 की स्पीड पे, तो उसमें आ जाएगा आप 45 पे इतनी माइलेज ले रहे हो, ऐसे इसके अंदर इकोनॉमिक मोड है, आप इकोनॉमिक मोड में चलाओगे एवरेज आप इसके 100 तक भी लेके आ सकते हो, ये आपके हाथ में। तो क्या बात है, मतलब कि इसका मीटर इतना स्मार्ट है कि हमें ये भी बताएगा हमारी कितनी स्पीड पे कितनी एवरेज आएगी, कितनी एवरेज। यस यस यस, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। तो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। और इस गाड़ी में कितने वेरिएंट हैं, गाड़ी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें अलग अलग क्या क्या है टेक्नोलॉजी के, कितने वेरिएंट हैं? टेक्नोलॉजी सेम है, इसमें दो वेरिएंट है, एक आपका सिंगल डिस्क आता है फ्रंट डिस्क और एक आपका विदाउट डिस्क है जी, दो ही वेरिएंट है। कलर मॉडल दो आते हैं, एक इसमें ग्लोसी ब्लैक आ रहा है, एक इसमें मैट ग्रे जो कलर है। तो मैं बात करूँ इसमें प्राइस रेंज की,
तो किस रेंज पे ये गाड़ी अभी मार्केट में उतारी गई है? सर बेसिकली जो कंपटीशन के हिसाब से जो ऐसी टेक्नोलॉजी की बाइक ना तो अभी किसी और ने लॉन्च किया कंपटीटर ने और ना ही इस रेंज में, ये आपकी विदाउट इसका वो है आपकी 93,350 के करीब की ऑन रोड प्राइस है जी, और डिस्क वाली आपका 98,400 के आसपास। तो 98,000 की बाइक मिल रही है, तो ये बाइक तकरीबन सभी आधुनिक फीचर से लैस हुई है। और मैं इस बाइक की बात करूं तो बाइक के दीवानों के लिए ख़ास तोहफा ही माना जाएगा, जैसे कि ये बाइक पिकअप में सबसे बेहतरीन एलईडी लाइट, स्टाइलिश कलर, और साथ में सबसे बड़ी बात इसमें स्मार्ट एलईडी मीटर जो दिया गया है वो आपको नेविगेशन की भी सुविधा देगा, आपके फ़ोन कॉल्स की मैसेज का अलर्ट भी देगा, और साथ में आपकी माइलेज भी बताएगा कि किस स्पीड पर कितनी माइलेज चाहिए। तो ये बाइक बेहतरीन बाइक अभी तक मानी जा रही है और युवाओं में इसका क्रेज़ भी देखने को मिला, जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे लोगों से बात भी की तो उनको इस बाइक में काफ़ी आधुनिक फीचर देखते हुए काफ़ी अच्छा इसमें इस बाइक को जो दिखा रहे हैं, ये आपके सामने हीरो की बाइक है जो कि एलईडी फीचर के साथ काफ़ी नए टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की गई है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि हमें बताया गया। तो ये थी अब तक की सबसे बेहतरीन बाइक जो कि हीरो ने लॉन्च की है, और इसकी एवरेज कॉस्ट जो बताई जा रही है 98,000 की बताई जा रही है। तो मार्केट में बेहतरीन एक उत्पाद आने वाले फेस्टिवल के लिए अच्छी खासी बिक्री साबित हो सकता है। तो बने रहें लाइव भारत के साथ, ऐसे ही और अपडेट के साथ हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक दें इजाज़त। कैमरा मैन दलजीत के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।